तो हेलो एवरीवन, कम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सिंपल देखने वाले व्हाट इज रोटेशन, यानी रोटेशनल मैकेनिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखने वाले सिंपल चीज है क्या व्हाट इज रोटेशन, और रोटेशन में हम लोगों को कौन कौन सा मोशन पढ़ना पड़ता है। बेसिकली रोटेशनल मोशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब देखने वाले हैं। ओके, और इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो ये सब हम लोग चीज आज रखना है सिंपल। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन क्या है, ठीक है। तो रोटेशन देखिए, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है अभी, ये लीनियर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, लीनियर मोशन। मतलब क्या है, ये जो है ना स्पेस में इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। देखिए ये है ना, इसको हम लोग इस तरह ले जाए, देखिए ये है, इस मार्कर को हम लोग इस तरह करके ले जाए। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, लीनियर मोशन, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, अब रोटेशन क्या होता है कि ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यहां से आप लोग एक ले लीजिए, ठीक है, ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग पाइवोटेड पॉइंट बोलते हैं। पाइवोट कर देते हैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को, और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ। देखिएगा कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इसी को देखिए, इसी चीज से मैं समझा देता हूं कि ये क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, लेकिन एक जगह पर इसको फिक्स्ड कर दिया गया और इस तरह नचा रहे हैं। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब क्या है कि स्पेस में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। पोजीशन इसका क्या हो रहा है, रोटेट कर जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका जो एक पॉइंट है वो इसी जगह पर है, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक तरह का रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, फैन होता है, फैन पंखा, जो सेलिंग फैन होता है छत में लगा हुआ, वो क्या होता है, टंगा हुआ होता है इस तरह, और नीचे की तरफ क्या करता है, नाचता रहता है। तो ये तो सिंपल इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि ये छत है, यहां से आप लोगों को ये रहा फैन, ठीक है, ये रहा फैन, ठीक। ये क्या करता है, रोटेट करता है कुछ एंगुलर स्पीड से, इधर ओमेगा से रोटेट करता है। ये आप लोग एंगुलर स्पीड ये सब पढ़ चुके हैं ना आप लोग, बेसिकली मैं सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े हुए तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि इसका जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, जिस देखिए एक ऐसा पोजिशन जहां पर जिस उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि ये एक्सिस है, एक ऐसा पोजिशन ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पोजिशन वो क्या कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा हो। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होगा ना वो क्या कर रहा है, बेसिकली रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग दिख रहा है बेसिकली रोटेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक तरह का फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो लाइन है ये फिक्स्ड पॉइंट है, और इसके चारों तरफ जो है वो रोटेट कर रहा है, इधर इस तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या कि जो चक्का होता है, व्हील, गाड़ी का व्हील होता है, वो क्या करता है, आगे भी बढ़ता है कुछ वेलोसिटी वी से, और घूमता भी रहता है कुछ ओमेगा स्पीड से, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ये नेगलेक्ट कर देते हैं कि इसको क्या किया गया, स्टैंड पर इसको खड़ा कर दिया गया, ओके, और इसको क्या किया गया, एक्सेलरेट किया गया। तो इसका चक्का क्या घूमता है, कैसे घूमता है, तो देखिए जब बाइक की सर्विसिंग हम लोग करवाते हैं, तो वहां पर आप लोग देखने को मिलेगा क्या कि उसके स्टैंड पर क्या किया जाता है, बाइक को खड़ा कर दिया जाता है, और एक्सेलरेटर को जब दबाइएगा तो चक्का नाचेगा, वो क्या करता है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करता, वो उसी जगह पर स्टैंड पर खड़ा होकर वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, उसी जगह पर क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, ओके। तो वहां पर रोटेशन का आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को बहुत जगह, हर जगह रोटेशन आप लोगों को यूज देखने को मिल जाएगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ये अभी ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, कहीं फिक्स पॉइंट से एक रोटेट कर रहा है, ओके। और यहाँ पर आप लोग जब गाड़ी चलता है ना, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है उसका रोटेशन का, तो उसका जो ये पॉइंट ऑफ एक्सिस होता है ना, ये होता है इसका, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली ये हो गया आप लोगों को रोटेशन का एप्लीकेशंस, मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल क्या देखेंगे कि तो अब हम लोग इसका नाम के हिसाब से समझ लेते हैं, मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन मोशन का मीनिंग क्या होता है, और रोटेशन का क्या होता है, और जो रोटेशन और
प्लस ट्रांसलेशन उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। रोटेशन का मतलब समझ गए। उसके अलावा ट्रांसलेशन हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। और क्या होता है रोटेशन, रोटेशनल मोशन। उसके अलावा रोलिंग होता है, रोलिंग एक ऐसा चीज है। रोलिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल्स टू रोलिंग। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मतलब क्या है कि जब क्या करे ऑब्जेक्ट, देखिए जब व्हील, जब गाड़ी चलता रहता है वो क्या करता है, रोटेट, उसका चक्कर रोटेट भी करता रहता है और वो आगे भी बढ़ता रहता है। क्या करता है, रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो उस समय उसका क्या होगा, रोलिंग होता है। उस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, नहीं बोलते इस चक्का को रोल कराओ, रोलिंग कराओ। तो वहां पर क्या होता है, उसका रोटेशन भी होता है और क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन भी होता है। वहां पर रोलिंग उसको हम लोग बोलते हैं। जब क्या, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग। और ट्रांसलेशन मोशन क्या होता, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, एक लाइन में मोशन करे, ठीक है। और उसके अलावा रोटेशन, रोटेशनल मोशन क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट से कहीं से रोटेट करता है, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो रिविजन के लिए आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल चीज क्या होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्स कर दिए गए इस रॉड को, और इधर एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा दिए गए कुछ समय आफ्टर टी साइन एट टी इज इक्वल टू टी पर। और ये कब घुमाया गया, तो टी इज इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा। तो ये कुछ एंगल चला है ना, ये एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्ले, और ये जो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ये एंगल थीटा, ठीक है। और इसका लेंथ होगा बेसिकली आर होगा, मान लेते हैं आर। तो यहाँ पर रिलेशन हम लोग ट्रिगो के हिसाब से जानते हैं, एक सर्कुलर आर्क होगा, मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना, ये एक सर्कुलर आर्क होगा, ये डिस्प्लेसमेंट एस होगा और ये आर, ये थीटा। तो हम लोग यहाँ से रिलेशन बोल सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, ट्रिगो के हिसाब से। और इसका जो क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा का रिलेशन हम लोग वेलोसिटी वी से देखते हैं। ये मान लेते हैं ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर वेलोसिटी इसका होगा वी, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो यहाँ से हम लोग वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, याद करिए, ये रिवाइज मैं करा रहा हूँ, यहाँ पर डेरिवेशन कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं सर्कुलर रूम से ऑलरेडी करा चुका हूँ। नहीं देखे तो वो देख लीजिए, ठीक है, वो चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन ए है, और जो सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा होगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ओके। तो ये सब बेसिकली कुछ रिलेशन था। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, अपन में डेल्टा टी, ये एवरेज हो गया। ओमेगा इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, तो डी थीटा अपन में डी टी। उसी तरह अल्फा एवरेज यानी एंगुलर स्पीड एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। उसी तरह अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपन में डी टी, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रिवाइज मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि इस क्वांटिटीज का यूज होने वाला है, पूरा रोटेशन में यूज होगा। क्योंकि रोटेशन में क्या हो रहा है, एंगुलर क्वांटिटीज के साथ हम लोग खेल रहा है। टॉर्क क्या होता है बेसिकली, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं टॉर्क को, और आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बेसिकली इसमें खेल रहा है। देखिए रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें टीचर्स का जो होता है ना, क्लास 11th का टीचर्स का क्या होता है, टेस्ट, बेसिकली किसी से टेस्ट लेना पड़ता है ना, तो रोटेशन से पूछ लेते हैं। रोटेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम लोग पीछे जितना मैकेनिक्स पढ़े ना, सब का सब इसमें लगने वाला है, सब का सब टोटल मैकेनिक्स आप लोगों को लग गया क्या चीज में, तो रोटेशन में, ओके। तो बेसिकली ये हो गया। अब मैं आप लोग बता दूं क्या कि यहां तक तो हो गया ना, अब रिलेशन मैं आप लोग बताता हूं कि देखिए V is equals to U plus AT, S is equals to U T plus half AT square, and V square is equals to U square plus 2AS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो ये आप लोग उतार लीजिएगा, नहीं उतारे तो ये होगी हम लोग को लीनियर इक्वेशन बेसिकली, ठीक है, लीनियर मोशन का इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग एंगुलर मोशन का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी की जगह पर हम लोग ये फाइनल वेलोसिटी, तो ओमेगा फाइनल
इज इक्वल टू, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी ओमेगा इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन रखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन के मतलब अल्फा, ठीक है, और उसके बाद टाइम टी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशन फॉर्म, ठीक है, एंगुलर फॉर्म, एंगुलर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर फॉर्म इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। जैसे ये वैलिड था सिर्फ क्या चीज के लिए, वैलिड ओनली एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म कुछ भी हो, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ओके। तो ओमेगा फाइनल, उसके बाद लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक बार थीटा डाल देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उस तरह यहाँ पर भी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, इस तरह हम लोग सबको लिख देंगे, ओके। तो ये हो गया थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये किस किस सिचुएशन में वैलिड है, तो वैलिड ओनली व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट, लोग बोल देते हैं, ठीक है, दोनों मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही होता है इसी की वजह से, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें मेरी समझ में आ गई होगी। रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पीछे का पूरा मैकेनिक्स आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ, ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।